आप लोग भी यहाँ हैं, यूँ कहिए ना। बस यार, एग्ज़ाम्स, लास्ट एग्ज़ाम, और मैं बहुत नर्वस भी हूँ, खुश भी हूँ। अल्लाह ताला करे पेपर अच्छा हो जाए। ऑनलाइन पढ़ाया था तो पेपर भी तो ऑनलाइन होने चाहिए थे, बट नॉट ऑन कैंपस। ये भी इनका सरप्राइज था। देखिए भाई, हमें जब आप लोगों की ज़रूरत थी तो हमने भी तो कंप्रोमाइज़ किया था। प्रैक्टिकल वर्क हमें यूनिवर्सिटी में करने चाहिए थे, लेकिन हमने घरों में किए। और लास्ट पे आई एम वेरी शॉक जब टीचर्स कहते हैं आप लोग घर में चीटिंग करते हो। दिस इज़ नॉट फेयर। सो क्या कहा जा सकता है, क्या हो सकता है। अब तो पेपर्स हो गए हैं, लेकिन सच में हम आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक बात कहूँगी, प्लीज़ मार्क्स अच्छे दीजिएगा। वो कहते हैं ना पंजाबी में, हाथ थौला रखिएगा। तो प्लीज़, हम भी तो आपके बच्चे हैं, आप लोगों की बात मानते हैं, तो आप लोग भी हमारी मान लो। लेकिन नहीं, टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया, ये मैं दिल से कह रही हूँ, और बहुत साथ भी दिया। ये तो मैं वैसे रियलिटी भी दिखा रही हूँ ना, थोड़ी बहुत वो भी तो बनती है। ब्रेकफास्ट टाइम, लेकिन मैं सिर्फ चाय से गुजारा चलाने वाली हूँ, पेपर के बाद कुछ खाएंगे। चलिए, मैं आपको इस वक्त तो मैं हॉस्टल में मौजूद हूँ, तो मैं आपको एक ऐसा व्यू दिखाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, और इधर ही बैठकर मैं चाय पीऊँगी। ये देखिए जी, ये जनाब नीचे जो है हमारी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है, यहाँ से जस्ट ये कैंपस नज़र आ रहा है, ये आर्ट वालों का है, और ये आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह हॉस्टल लाइफ पे मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनानी है, जिसमें मैं बताऊंगी कि कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हॉस्टल अच्छा है, सफाई का ख्याल रखा जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं। खैर छोड़िए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। पीछे व्यू देखिए यार, अच्छा है ना। चलिए यहाँ बैठ कर चाय पीते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं। आप लोग पिएंगे? मैंने कहा सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं, बनता है आप लोगों से पूछना। कड़क चाय विदाउट शुगर, यस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट्स भी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कैसी बनानी चाहिए। गर्म है बहुत, और गर्मी भी बहुत है। मैं जा रही हूँ नीचे अभी फ़िलहाल, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए, गर्मी है, मुझे गर्मी लग रही है। तो चलो नीचे चलते हैं, इंशाल्लाह अब मैं आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद और पेपर टाइम में, और दिखाती हूँ जहाँ मेरा पेपर होगा। अभी मैं जा रही हूँ पेपर के लिए। हाँ जी, तो दुआ करिएगा। यार सीरियसली बहुत गर्मी है। ये पीछे मेरा हॉस्टल है, ये देख सकते हैं। बस और खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आगे बढ़ते हैं। यार प्रेस ये हमारा डिपार्टमेंट है मीडिया का, और मैं आपको बताती हूँ पेपर कहाँ देना है। जी आ जाइए, ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ हमने पेपर देना है।
ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है और अभी हमारा यहाँ पेपर होगा, तो अंदर चलते हैं। सो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंटर होने वाले हैं और इधर हमारा पेपर है, तो मैं दिखाती हूँ रूम हमारा इस साइड पे है, तो मैं अपना आपको रूम दिखाती हूँ, अभी उधर जाते हैं। ये सारे रूम्स हैं जिसमें पेपर्स हो रहे हैं और यहाँ बच्चियाँ पेपर्स दे भी रही हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ लड़कियाँ पेपर दे रही हैं और मैं तो उस रूम में बैठती हूँ और सबसे लास्ट पे, बिकॉज टीचर से बड़ा डर लगता है क्योंकि मुझे पेपर भूल जाता है मैम की फेस देखकर, सो मैं पीछे बैठती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी हमारी क्लास की लड़कियाँ नहीं आई, अभी दूसरे डिपार्टमेंट का पेपर हो रहा है, तो जैसे हमारी अपनी क्लास की लड़कियाँ आती हैं तो मैं फिर बताती हूँ। ये देखें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके पेपर हैं, इनमें से आधों के पेपर हैं और हाफ के पेपर्स नहीं हैं, और मास्क पहनना जो है वो मस्ट है, आप मास्क के बगैर अंदर नहीं आ सकते, तो यहाँ मास्क नहीं उतारा जा सकता। जी हाँ जी, और मैं ये भी बता दूँ ये फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी है रावलपिंडी। हद की गर्मी है, अभी यहाँ अंदर आई हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा है, तो अच्छा लग रहा है। अभी अंदर जा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम, और अभी क्लास फेलोज आई नहीं है, सो अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये रूम है हमारा रूम नंबर 4। जी ये हमारी क्लास है जहाँ हमने पेपर देना है, और ये मैं हूँ, और ये मेरी क्लास फेलोज है, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये मुस्कान है, ये इसका नाम क्या है, रिमशा है, सिपका है, ये सारी मेरी क्लास फेलोज है, अभी तो कुछ आई हैं लेकिन अभी सारी आएंगी। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पीछे क्यों बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आता है, वैसे मुझे डर लगता है दूसरे इन में रेजुलेटर को देख के मुझे भूल जाता है बिल्कुल, जैसे वो ऐसे करके देख ले होते हैं। आओ, मुझे पता है आप लोगों के ये दिमाग में सवाल आया होगा, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम होती है, सो मेरी भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे टीचर से बहुत डर लगता है, मतलब कि वैसे ही मेरे सर पर अगर कोई टीचर खड़ा हो जाए तो ना मुझे सब कुछ भूल जाता है। खैर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आता है, और वैसे ये है कि टीचर्स उठा भी देते हैं, अपनी मर्ज़ी का बिठाते हैं हम। फाइनली आज पेपर हो गया है, पेपर दी एंड, और अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, और आप पीछे देख सकते हैं ये किस तरह किस कदर शोर मचा रही हैं लड़कियाँ, आप यहाँ पे पेपर। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आएगी, आज कोशिश की है अपनी दिखाने की कि लास्ट एग्ज़ाम में क्या होता है, तो खैर उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसी बनाऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।